हेलो दोस्तों, ये है जियो का F320। इसमें माइक का प्रॉब्लम था और ये कोई दुकानदार का फ़ोन है। उन्होंने बताया कि हमने 3 4 5 माइक लगा के देख लिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। दोस्तों एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसमें प्रॉब्लम माइक का था ही नहीं, उन्होंने माइक को बदल दिया। यहाँ पे दोस्तों माइक का जो प्लस पॉइंट होता है उसमें आता है 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट सबसे पहले आपका ये बड़ा वाला कैपेसिटर में आएगा और यहाँ से हो गया आपका माइक के अंदर में आएगा। इससे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे एक रजिस्टर मिलता है, उसके बाद फिर से एक रजिस्टर मिलता है। ये दोनों से होके इस कैपेसिटर पे आता है, उसके बाद माइक में आता है। तो यहाँ का जो 1.8 वोल्ट था, यहाँ से 1.8 वोल्ट आगे नहीं जा रहा था, मतलब माइक में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे, ये जो रजिस्टर था ये ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि वोल्टेज माइक तक आ रहा है, तो मैंने माइक तक, उसके बाद फिर मैंने माइक को दोबारा से लगाया तो माइक काम करने लग गया। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे माइक को लगा दिया और बहुत सारे माइक को चेंज कर लिया। दोस्तों इससे पहले आपको ये चीज़ को, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको शॉर्ट करना ही है, आपको यहाँ तक देखना पड़ेगा। पहले यहाँ वोल्टेज चेक करना पड़ेगा ग्राउंड से लेकर कि 1.8 वोल्ट आ रहा है यहाँ तक तो सही है। उसके बाद ये साइड में जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा 1.8 वोल्ट आ रहा है तो सही है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो सही है, उसके बाद अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से यहाँ तक जम्पर कर दीजिए माइक के अंदर तक, या अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक कनेक्शन होता है इधर, और वहाँ से जम्पर लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो मैं आपको, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1.8 वोल्ट चेक करना है, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट में, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट में, मतलब जहाँ से जहाँ तक नहीं आएगा 1.8 वोल्ट, वहाँ से वहाँ तक आपको जम्पर कर देना है। तो फिलहाल मेरे केस में तो ऐसा था कि यहाँ पे वो जो रजिस्टर था वो शॉर्ट हो, ये मतलब कि डिसॉल्ट हो गया था, ख़राब कह सकते हैं उसे, ख़राब हो गया था। तो मैंने इस पर यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर वो शॉर्ट कर देने के बाद हो गया। और इसको मैं आपको क्लियरली एक इमेज दिखा दूंगा डिस्प्ले में, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।